दुर्ग में हुए आर्मी भर्ती में शामिल युवाओं ने दुर्ग कोतवाली थाने पहुंचकर अपना आक्रोश जताया। साथ ही अभ्यर्थियों ने केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना पर भी अपना आक्रोश व्यक्त किया। दुर्ग में हुई आर्मी भर्ती में शामिल होने वाले प्रदेश भर से पहुंचे अभ्यर्थियों ने शनिवार को दुर्ग कोतवाली थाने का घेराव कर दिया और अब तक भर्ती प्रक्रिया नहीं अपनाई जाने को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान आर्मी भर्ती के अभ्यर्थियों ने केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने दो टूक कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया पर भी सवालिया निशान लगा डाला और उन्होंने एक बार फिर युवाओं के बेरोजगार होने की बातें कही, बेरोजगारी का सामना करने की बातें उन्होंने कही। ऐसे में युवाओं को स्थायी नौकरी दी जाना चाहिए। साथ ही कहा कि 2.5 साल बर्बाद हो जाने के बाद हमें पैसों का लालच दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें पैसा नहीं, भारत माँ की सेवा करना है। इसके साथ ही युवाओं ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। सर, मेरा नाम पुरुषार्थ दास है, मैं राजनांदगांव जिले से आया हूँ और हमारी समस्या यह है कि जो लोग जो प्रशासन है, हम लोगों का 2020 में सेना का भर्ती लिया गया था। सर, 2020 में हम लोगों ने सेना भर्ती दिया था और उसके साथ हमने फिजिकल पास किया था, मेडिकल भी पास किया था। फिजिकल मेडिकल पास करने के बाद भी हमारा जो एग्ज़ाम बचा रहता है सर, उसको एग्ज़ाम को ड्यू टू कोरोना करके बोल के है ना बार बार पोस्टपोन करते गए सर, पोस्टपोन करते गए। हम लोग तैयारी के लिए जुटे हुए थे और तैयारी भी होने के करते रहे सर। 2 साल के अंतर्गत हमारा एग्ज़ाम 6 से 8 बार पोस्टपोन किया गया। 2 साल के अंदर 6 से 8 बार पोस्टपोन करने के बाद अभी लोग बता रहे हैं, अभी कोरोना ख़त्म होने के बाद हमारा भी एग्ज़ाम पोस्टपोन ही था सर। हमारा एग्ज़ाम अभी बता रहे हैं, जब TOD लागू हुआ तब हम लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों का जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया थी, जो आपने फिजिकल मेडिकल पास किया था, वो सारे प्रोसेस अब ख़त्म हो गए, कैंसिल हो गए ऐसे करके। सर, तो हम लोगों का ये डिमांड है कि गवर्नमेंट को हमारी जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया है जिसमें एग्ज़ाम हमारा बचा था, वो एग्ज़ाम पूरा होना चाहिए। सर, राजनांदगांव में भी प्रदर्शन हो रहा था सर, लेकिन जो कि ये ओनली राजनांदगांव का बात नहीं है सर, ये पूरे स्टेट वालों का बात है। इस कारण से दुर्ग में भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुआ था सर, इस कारण से हम लोग दुर्ग में ही भर्ती क्या बोलते प्रदर्शन करने का सोचे थे। लाल सिंह है, मैं 2.5 साल पहले आर्मी की भर्ती निकाला GD, तो हमारा पेपर 6 बार पोस्टपोन कर दिया गया है। अगर हमें पहले ही बता दिया 2.5 साल पहले तो हम अपना कोई दूसरा जॉब खोज लेते। 2.5 साल के बाद बोल रहे हैं, हर महीने बोलते हैं कि पेपर होगा। हम RO में भी कॉल करते हैं, वहाँ भी बोलते हैं पेपर होगा, पढ़ाई करते रहो। हम कर्ज़ा लेके अपना ट्यूशन फीस, स्कूल फीस जैसे भी करके अब पढ़े हैं अपन, और उसके बाद अब बोल रहे हैं कि आपका पेपर नहीं होगा। हमारा 2.5 साल बर्बाद हो गया है और बोल रहे हैं कि 4 साल में आप 20 लाख कमाओगे, मतलब 20 लाख टोटल 20 लाख कमाओगे, इतना आपने कभी पैसा देखा नहीं है। तो हमें 20 लाख नहीं चाहिए, हमें भारत माता की सेवा करना है, इसलिए हम पैसे के लिए नहीं जा रहे हैं। पैसे के लिए तो प्लांट भी जा सकते हैं, सिस्कॉल कंपनी जा सकते हैं। और हमारा बोलते हैं पेपर नहीं होगा। अब मेरा एज हो गया 23 साल, मैं GD निकाला था 19 साल में, 2.5 साल हो गया है, 22 प्लस हो गया हूँ मैं, अब मैं GD दे नहीं सकता। तो GD दे नहीं सकता मैं, जो मेरे घर में मेरी माँ बाप हैं, उन्होंने मेरे को पढ़ाए हैं। अब उन्होंने 2.5 साल से बोल रहे हैं पेपर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने खुद मेरे को बोले हैं। अब मैं उनको बोला, उन्होंने डर रहे हैं कि तू कुछ कर मत ले, मतलब मर मत जा, फांसी मत लगा ले। तो ये अग्नि योजना को इसलिए लेकर है क्योंकि वो 21 साल के लिए है, हमारा तो 22 प्लस हो गया है, हम तो दे नहीं सकते भर्ती देंगे। और 4 साल के लिए जाएंगे सर, तो 4 साल के जाएंगे तो हमारा बेनिफिट क्या है? आने बाद हमें नौकरी मिलेगा नहीं, हम गन चलाएंगे और फिर आगे प्लांट में आके नौकरी थोड़ी करेंगे, टिफिन डब्बा लेके जाके हम क्या करेंगे इसके बाद? शंकर है, मैं बेमेतरा ज़िले से आया हूँ। हम लोग 4 साल से आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग का फिजिकल मेडिकल सब निकल चुका है, 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल से बार बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है करके बता जा रहे हैं। और मतलब हम लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला था उसे रद्द कर दिया गया है, न ही एज में छूट दे रहे हैं, न ही हम लोग का एग्ज़ाम मतलब दिलाने का कोई मौका ही दे रहा है। बार बार यही जताना चाहते हैं कि ना हम लोग आर्मी के लायक ही नहीं हैं, ऐसा करके बोलते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।